हम्द व सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मागफ़रत का फिजान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पाकिस्तान में आए हुए हैं और पाकिस्तान में ये आज हम लोग आए हैं हैदराबाद 8 नंबर बाज़ार में। मैं पाकिस्तान जब भी आती हूँ तो मैं सारे बाज़ार को विज़िट करती हूँ, बस अपनी एक इंटरटेन के लिए कि जर्मनी में जो शॉपिंग का मज़ा नहीं आता वो पाकिस्तान में शॉपिंग का मज़ा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो यहाँ पे ख्वारी वाली शॉपिंग और थोड़ा घूमना फिरना आउटिंग करना नए नए स्टाइल चीज़ें देखना बहुत ही ज़बरदस्त होता है और मज़ा आता है। और बच्चों को फिर नई नई चीज़ें दिखाना कि हमारे ये मुल्क में देखें ये होटल जी ऑरेंज का जूस जी फ्रेश ऑरेंज का जूस और ये देखें मक्खियाँ। एक मिनट। सो ये था जी फ्रेश ऑरेंज का जूस। वॉक करते करते शॉपिंग करते करते बच्चे काफ़ी थक चुके थे। मालिन सफ़ा के कज़न, मालिन सफ़ा को तो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं मतलब ले के देती, उनका पेट ख़राब हो जाता है। ना जूस ना कोई अटन पटन यहाँ की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। तो राफे और जो वहाँ की चीज़ें खाने के आदि हैं तो वो इस उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए था, तो मैंने हम लोगों ने ब्रेक ली और कुछ खाया पिया और खिलाया पिलाया और फिर हमने वह अपनी शॉपिंग शुरू कर ली। आज मैंने बच्चों के कपड़े ख़रीदे, मामा सेट था बहुत ही ज़बरदस्त, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। और चूड़ियाँ ख़रीदी, लेस से ख़रीदी कपड़ों के लिए कुछ, ये देखें कितने मज़े मज़े के लच्छे। और ये देखिए कोरोना वायरस तो चल रहा है लेकिन कोरोना वायरस का यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। और देखें पीको, मतलब इन चीज़ों को देखना और इस तरह छोटे छोटे काम करवाने का मज़ा अपना ही है पाकिस्तान में। वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं जो पहले इकट्ठे कज़न के साथ ईद के लिए शॉपिंग के लिए जाते थे या शादियों की, तो वो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोगों ने कुछ और खाने की शॉप्स को विज़िट किया और वहाँ पे एक लेडी थी जो बहुत दुआ दे रही थी, तो फिर मैंने उनको भी क्लिप में लिया। चलें सुनते हैं कि वो क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाजी से उम्मीद रखती हूँ कि 100 रुपये मुझे खाने की देंगे अपने बच्चों को सदका। अल्लाह की दिल की बरात पूरी करें, नबी पाक के सदके में फिराने की रसम सदके में, खुश रहें आबाद रहें मुस्कुराते रहें हमेशा। मैं बात कर रही हूँ हाजी मुनीजा की अपनी बनानी। ये बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी अच्छी दुआएँ दे रही थी, तो इनकी दुआएँ सबकी ही अल्लाह ताला दुआएँ कबूल करता है, लेकिन इनको कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। तो जब पाकिस्तान में आते हैं तो ये इस तरह के लोग बहुत सारे दिखते हैं। ये देखें जी पाकिस्तान की ज्वेलरी, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की, बच्चे इनको देख के बहुत खुश होते हैं। और ये कितनी क्यूट सी चूड़ियाँ थी, बहुत ही छोटी सी। उम्मीद करती हूँ कि आप भी जब आते होंगे पाकिस्तान में और अपनी शॉपिंग इंजॉय करते होंगे। ये देखें सेलें लगी हुई थी और हर वैरायटी का, हर डिज़ाइन का, हर स्टाइल का कपड़ा यहाँ पे था। और ये देखें बालून और अपना पाकिस्तान, ये मेरे फेवरेट, लेकिन मैं नहीं खा सकी। और ये अब जा रहे हैं हम वापस घर की तरफ। आज की हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर मेरी थोड़ी सी हाई थी क्योंकि मैंने आज यहाँ से समोसे खाए थे, यहाँ से नहीं है इजाज़ घर लेके आए थे, तो और जूस पिया था, तो शुगर ज़्यादा थी और इसीलिए वॉक करने का
सोचा साथ साथ शॉपिंग करते हैं, साथ साथ वॉक करते हैं। सो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, आज की हमारी शॉपिंग, और इंशाल्लाह ये यहाँ के ट्रैफिक से लोगों का रश चेक कर अपना रास्ता अपने लिए खुद ही निकालना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये था आज का हमारा व्लॉग, आज हमने आपको हैदराबाद दिखाया और हैदराबाद का एक बाज़ार दिखाया जिसका नाम था 8 नंबर। और इसी तरह जब तक मैं पाकिस्तान में रहूँगी अपने वॉक का ट्रैक जो है वो कवर करते करते साथ साथ बाज़ार का भी विज़िट करेंगे और अपने डायबिटीज़ को भी नॉर्मल रखेंगे और अपने मुल्क को एंजॉय भी करेंगे। जर्मनी की शॉपिंग जितनी भी अच्छी हो लेकिन जो पाकिस्तान में आके शॉपिंग करने का मज़ा आता है वो अपना ही मज़ा है। और अब हम चल रहे हैं अब घर की तरफ, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।